आज जो हमारे साथ में यहां पर गेस्ट हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज अ चार्टेड अकाउंटेंट उसके बाद में उन्होंने काफी सालों तक ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया और आज वो वीडियोस बनाती हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और आई एम श्योर आपने कभी ना कभी उनकी वीडियो कोई ना कोई जरूर देखी होगी प्लीज गेव एन एनर्जेटिक एंड वो वेलकम टू एंड ओनली रचना डे आज मुझे कैमरा एंगल चेंज हुआ ऐसे लग रहा है क्योंकि अभी तक वो एंगल से देख रही थी आपके जितने भी वीडियोस देखे आ, थोड़ा ऐसे ये वाला वाला यहां से देखना थोड़ा अलग लग रहा है अचानक से मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे मेल बॉक्स <laughs> में आने लगा कि संदीप सर के शो पे चले जाओ मैंने कहा ये चल क्या अचानक से संदीप सर के यहाँ पे जाओ ये कहाँ से आ रहा है फिर मैंने बोला मेरी टीम को यार ये थोड़ा पता कर लो कि ये क्या हो गया अचानक से तब पता चला कि ऐसे आपने मीट योर फेवरेट यूट्यूबर करके आपने एक सीरीज चालू करी है एंड जिसमें आप अलग अलग लोगों को इनवाइट कर रहे हो तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तो अब मैंने थोड़ा होमवर्क चालू करना चाहिए तो उसके बाद मैंने आपके टोटल फोर्टीन ये वाली सीरीज में जितने भी वीडियोज़ आए हैं वो चौदह दिन से मतलब मैं रोज सिस्टमेटिकली एक एक -दो, दो टाइम निकाल के देख रही हूँ एस आई पी एस आई पी में

वो हमेशा मुझे सिर्फ प्रेस करते हैं कि जब भी मैं आगे बढ़ती हूँ तो बोलते हैं कि यू जस्ट गो ऑन आई एम देयर फॉर द सपोर्ट जो कुछ भी सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा दस साल इसने जर्मन एमएनसी में जॉब किया था एंड आज उसने जॉब छोड़ के क्योंकि मुझे सपोर्ट की जरूरत है टीम बढ़ती जा रही है घर का कोई है तो वाई नॉट सो ही एक शायरी भी सुन ली थी मैंने तो वो अगर आपकी परमिशन प्लीज 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 यहाँ तो, तो पूरा माहौल बनने वाला है <laughs> चिंता मत करो अभी यहां पे गाना भी होगा मेरे को अच्छा? पता है आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड सिंगर हैं ये ओ oh. यस yeah. oh. oh yes. <laughs> जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया फिर मुश्किल क्या और आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया क्या बात एक्चुअली मैम पाँच साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है तो मैं चाहता हूँ कि क्या मैं सही जा रहा हूँ कि मतलब मुझे टिके रहना चाहिए मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ज्यादा एक्टिवली जब ऊपर जाए तो प्रॉफिट में कर लू स्क्वायर अप कर लूँ फिर नीचे आओ तो खरीदूँ या उसको छोड़ दूँ जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो इसमें आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको क्या लगता है अगर आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी तो वो दो दिन में एकदम ऊपर जाएगी नहीं उसमें तो टाइम तो देना पड़ेगा ना तो जितना टाइम आप कंपनी को ग्रो करने के लिए दे रहे हो उतना ही टाइम आपको आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए देना चाहिए और एक इसका एक अलग एग्जाम्पल बताती हूँ थोड़ा फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि जब कोई फार्मर एक सीड सो करता है तो वो रोज जाके देखता है क्या आया क्या ऊपर ऐसे तो नहीं देखता ना रोज कि रोज आज आज इतना बड़ा हुआ आज इतना बड़ा हुआ नाप लेता है कभी कि आज इतना सेंटीमीटर हो गया कल उतना वो नहीं करता है क्योंकि फार्मर को पता है कि उसको तो टाइम लगने ही वाला है जितना लगना है उतना लगने ही वाला है सो इज अ फार्मर वेरी पेशेंट यस सो नो यस सिमिलरली इफ यू वांट टू बेर द स्वीट फ्रूट्स ऑफ वॉट यू हैव सोन जितना भी आपको अगर उसका असली मजा लेना है तो आपको उतना पेशेंट रहना ही पड़ेगा जितना ज्यादा आप उसमें टिके रहोगे उतना ही आपको ज्यादा फ्रूट्स मिलेंगे तो जब आप शायद आपके बेटे को जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होगा तब आप वो बता पाओगे कि नो जब मैंने स्टार्ट किया था तब काफी ऊपर ऊपर नीचे उपर, नीचे मेरा पोर्टफोलियो होता था बट फिर भी आई स्टक टू माई प्लान मैं धीरे 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 इन्वेस्ट करते चला गया और देखो आज उसका एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया आप में से कितने लोगों को ऐसे बुरा लगता है यार काश मेरे पापा ने या काश मेरे दादाजी ने ये इन्वेस्ट किया होता था आज मेरी लाइफ सेट होती थी यार एग्जैक्टलीज एज कमिंग टू दैट इज एक्टली वोट एज कमिंग टू की आपके बच्चे आपके पोते पोती वो भी आपके बारे में यही बोलेंगे यार कैसे दादा दादी मिले यार कैसे मम्मी पापा मिले और आपकी तो फोटो भी आने वाली है सेशन में <laughs> वो देख करके स्क्रीन के ऊपर गालियां निकालेंगे थूकेंगे <laughs> ये कैसा दादा है कैसी नानी <laughs> है ये <laughs> सेशन अटेंड किया रचना जी के साथ में और उसके बाद भी नहीं किया ये कोई बात हुई

नहीं बाबा मैं नहीं करूँ पैसे बुढ़ले तो क्या करना हाँ, तर क्या करना करे करे <laughs> मैं कोशिश करूँ ये समझने की क्या बात है मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया है मैं कोशिश हाँ। करता हूँ आप क्या ये कह रहे हैं कि आपके जो फैमिली में मतलब आपके हस्बैंड है और आप इन्वेस्ट करते हैं या मैं बकवास कर रहा हूँ <laughs> <laughs> मैंने ऐसा कहा कि मेरे पास इनकम सोर्स है मैं इन्वेस्ट भी कर सकती हूँ मेरे पास नॉलेज भी है बट कहीं ना कहीं डर होता है अंदर कि मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे ये सारी चीजें सोचकर मैं एफ डी सोचती हूँ एफ डी कर लू लेकिन स्टॉक मार्केट में डर लगता है आई थिंक ये सबकी प्रॉब्लम है और सब एग्री करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया कितने चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए सब चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो इस इसपे हम आराम से टाइम लगा सकते हैं डेफिनेटली डेफिनेटली आप बताइए कि मतलब ये डर होता है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी कहते हैं एफ सेफ है एफ करा लो स्टॉक मार्केट में क्यों जाना है पैसा डूब गया तो और रोज हम देखते हैं ऊपर नीचे होता रहता है तो दिस इज अ वेरी इजेंट क्वेश्चन प्लीज आप इसका आंसर दीजिए कितने लोगों को ऐसे जेन्यून लगता है कि स्टॉक मार्केट ये एक ही ऐसा एसेट क्लास है जिसमें पैसा डूबने का डर है आपको लगता है रियल स्टेट में पैसा डूब सकता है yes. आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया पैसा डूब सकता है येस और नो यस गोल्ड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया डूब सकता है no. अच्छा हाँ मैं मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ट्वीक करती हूँ वापस से वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ एक से दो साल में रियल एस्टेट में आपने जिस दाम पे इन्वेस्ट किया था वर्सेस आज उसका जो दाम है कम हो सकता है क्या yes. हो सकता है गोल्ड में एवरी वन प्लीज वॉच माई चैनल का दाम एक दो साल के अंदर कम हो सकता है yes. Yes. ये अच्छी बात है सिल्वर के लिए हाँ बोल रहे हो गोल्ड के लिए नहीं बोल रहे हो आप बाई वे ये तीनों का आंसर है हाँ बिल्कुल हो सकता है इन तीनों एसेट क्लासेस में आपका पैसा हंड्रेड परसेंट मतलब there is absolute possibility कि हो सकता है मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दो साल के अंदर कम होना ही होना है बट बिल्कुल हो सकता है देर इज अ चांस आपको पता है चांदी का हाइएस्ट रेट जो था दैट वॉज अराउंड पिछहत्तर हजार सेवेंटी फाइव थाउजेंड तक चला गया था आज उससे कई ज्यादा नीचे ऑलमोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट नीचे है ये तो सबसे पहली बात मन से क्या निकालनी आपको डर क्योंकि स्टॉक मार्केट ही ऐसे एक एरिया नहीं है जिसमें पैसा डूब सकता है कई सारे ऑप्शन है आपको पैसा डूबाने के लिए है ना यह एक चीज आप सबसे पहले मन से निकालने ठीक है थीके? कि स्टॉक मार्केट में ही पैसा डूब सकता है अब आगे का क्वेश्चन स्टॉक मार्केट में पैसा डूब सकता है क्या क्वेश्चन मार्क अब इसके लिए आपको एक सिंपल चीज बताती हो अगेन सेम इट गोज टाइम फ्रेम अगर आप एक से दो साल के अगर आप टाइम फ्रेम पकड़ रहे हो तो क्या इसमें आपका पैसा नीचे जा सकता है तो जा सकता है पॉसिबल है बट अगर मैं एक से दो के बजाय दस से बीस साल बोल रही हूं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लूजिंग मनी इज ऑलमोस्ट नेगलिजिबल हाँ अगर आपने फंडामेंटली अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो की बात चल रही है आपने देखा होगा हर्षद मेहता स्कैम के पहले मार्केट बहुत ऊपर गया था फिर मार्केट एकदम नीचे डूब गया दो साल में हुआ गिरा वापस बाउंस बैक हुआ उसके बाद आईटी बबल के बारे में अगर मैं 2007-8 के बारे में बात हूं आठ में बिकॉज ऑफ द लिमन ब्रदर्स क्राइसिस क्या मार्केट गिरा मैंने बोला परसेंट से गिरा था तीन चार महीने के अंदर वापिस बढ़ा हाँ या नहीं कोरोना के टाइम पे क्या मार्केट गिरा क्या वापिस बढ़ा हाँ क्या उससे भी कहीं ऊपर गया सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में यह है कि शॉर्ट टर्म में डरना है तो आप डर सकते हो लेकिन अगर आपने सोच के रखा है कि मैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रही हूं तो इसमें डरने की बिल्कुल बात ही नहीं है आप अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो निफ्टी का चार्ट देखो सेंसेक्स का चार्ट देखो ऐसे ऐसे ऊपर ही हमेशा गया कभी भी आपने जितने भी लोगों ने अगर कभी निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट देखा है हैज इट गॉन लाइक दिस डाउनवर्ड या अपवर्ड इन द लॉन्ग टर्म जैसे अगर आप 20 साल पहले देखोगे तो <clears throat> सेंसेक्स था अराउंड तीन हजार के आसपास बिल्कुल और आज है साठ हजार के आसपास तो 20 गुना हो गया ना अगर आप उसको रिटर्न वाइज कैलकुलेट करो तो दैट्स अराउंड के रिटर्न यहाँ पे जो चीज समझ मैं थोड़ा सा ऐड करूं बिल्कुल सर बिल्कुल 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 है, ना तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही ऊपर नीचे तो कहीं भी हो सकता है बट आपको ये देखना है कौन सी एसेट क्लास ऐसी है जो लॉन्ग टर्म में बाकी सब एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म करती है यानी जहां पर अगर आप पैसा लगाओगे तो आपके पैसा बनाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और ये आपको देखना है नॉट बेस्ड अपॉन योर इंट्यूशन और योर गट फील या फिर आपको क्या लगता है या किसी को क्या लगता है बट बेस्ड अपॉन डेटा पिछले दस साल का डेटा देखो बीस साल का देखो तीस साल का देखो चालीस साल का देखो तो वो डेटा अपने आप बोलेगा आपको कि कौन सी एसेट क्लास ऐसी है जो आउट परफॉर्म करती है बाकी सारी एसेट क्लासेस को आपने एफ की बात करी एफ डी में अगर आपने बीस साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो एवरेज आउट कर दो कम ज्यादा होता रहता है तो सात साढ़े सात परसेंट की रिटर्न आप पकड़ सकते हो मैक्सिम आठ परसेंट की पकड़ लोगे यहां कितनी आई सोलह परसेंट की तो आठ और सोलह में बहुत फर्क होता है ये देखने में आपको सुनने में लगेगा अच्छा आठ परसेंट का ही तो फर्क है कंपाउंडिंग को बीच में ले आओ तब आपको समझ आएगा द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं उसको इस पर आई एम श्योर आपकी कोई ना कोई वीडियो जरूर द पॉइंट इज पे दो चीजें समझने वाली है एक तो ये कि आप स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट मत बोलो घर में हम यही सुनते आए हैं शेयर बाजार सट्टा बाजार राइट यही सारे वर्ड्स तो तो हमने सुने, सुने हैं स्टॉक मार्केट को आप ऐसे देखो कि आप बिजनेस पे पैसा लगा रहे हो जैसे मेरा बिजनेस है मेरे बिजनेस में अगर आपको शेयर होल्डिंग मिलती है पैसा लगाने को मिलता है क्या लगाओगे या नहीं लगाओगे yes. Yes. कितने लगाने को तैयार हैं अरे तो मेरे प्यारे भाईयों और बहनों टाटा है बिरला है कोटक है वो मेरे से ज्यादा अच्छे ऑन्टरप्रीनियोर्स हैं उनका बैकग्राउंड देखो आप बस मेरे से इन्फ्लुएंस हुए पड़े हो अभी जो आपकी वैल्यू फॉर मनी है वो आने वाले दस सालों बाद वो टेन थाउजेंड एक लाख के बराबर होगा उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करो कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए तो फिर आगे जाके मुझे इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए वो ऑबियसली आप एक्सेल शीट्स के थ्रू कर सकते हो सारी चीज़ें यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी लेकिन आप उसको बिलीव कैसे करो आप अपनी कैलकुलेशंस ठीक नहीं कर रहे हो आप पहले तो कैलकुलेशंस ठीक करिए ऐसे बहुत सारे आपको कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन गूगल पे आप जा करके सर्च करिए तो इन्फ्लेशन अगर है छः सात की तो आज अगर आपका एक लाख रुपये है उसकी वैल्यू इस साल बाद के तीन लाख के बराबर होगी आई थिंक टाइम्स टाइम्स के के आसपास आसपास जाएगा जाएगा हो, हो, सकता है three times के आसपास जाएगा. तो अगर आप तीन गुना के ऊपर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो तो आप पॉजिटिव में हो इन्फ्लेशन को आप बीट कर पा रहे हो तो अगर आपने एफ में कराया तो तीन लाख के आसपास ही आपने बनाया तो ना आपने पैसा कमाया ना गंवाया सेम है सेम ही रहा ना तो पैसा नहीं बढ़ा तो अल्टीमेटली तो आपने गंवाई दिया ना तो आपको कितना चाहिए दस गुना या बीस गुना दस गुना कैसे आएगा जब बारह परसेंट की रिटर्न आएगी

बातें या practically वो हो पा रहा है। है। मोटा मोटा आपको अपने पैसे को 20 साल में तीन गुना से ज़्यादा कि जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए अगले एक साल में दो साल में पांच साल में दस साल में उसको मत घुसाओ स्टॉक मार्केट में उसको आप अलग से कहीं पे रख सकते हो एफडी में या यहाँ पे वहां पे शॉर्ट टर्म बहुत सारे एसेट्स हैं। वो आप इनके चैनल पे जाकर के सीख सकते हैं लॉन्ग टर्म अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट से बेटर ऑप्शन यानी म्यूचुअल फंड Funds, इससे क्या है? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया है अगर आपको आया है, तो आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे टू एंटायर डिस्कशन आई थिंक एक ही बात बोलूंगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो एक ही सेंटेंस ध्यान में रखना है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट आखिर जाना ऊपर ही है <laughs> मतलब कि मैंने इतना लंबा प्रवचन दिया, दिया <laughs> उसका सार सार एक <laughs> लाइन के अंदर-अंदर <laughs> क्या कमाल सार दिया आपने, बहुत बहुत बढ़िया। <laughs> मैम मार्केट में को इम्पोर्टेंस दी जाती है लेकिन हम ज्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं तो आपके अकॉर्डिंग कितना डाइवर्सिफाई हमें करना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है है ये और हो सकता है यहाँ पे आपके, अच्छा, so, आपके uh, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप 10 स्टॉक्स चूज करें आपके नंबर वन स्टॉक में और नंबर टेन स्टॉक में है, अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया तो आपको समझा ही नहीं है कि वो आपका नंबर वन क्यों है फिर तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आपको एक रैंकिंग करनी होती है कि आई हैव हाइएस्ट कन्विक्शन इन दिस स्टॉक उसके बाद कन्विक्शन इसमें थोड़ी कम है थोड़ी कम है ऐसे आप टॉप टेन या फिर मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो नॉट मोर देन फिफ्टीन स्टॉक्स इज वॉट माई पर्सनल लॉजिक इज बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर वन स्टॉक जो है मेरा उसमें और फिफ्टींथ स्टॉक जो है मेरा उसमें मेरा सेम अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं है तो आइडियली आपने उसमें डिक्रीजिंग अमाउंट्स में पैसा लगाते जाना है फ्रॉम वन टू फिफ्टीन एंड डोंट ओवर एक्सीड क्योंकि जब भी मार्केट नीचे गिरता है ना तो आपको एक बाय ऑन डिप का मौका मिलता है आपको एवरेज करने का मौका मिलता है उस टाइम पे अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर मान के चलिए चालीस स्टॉक्स है पचास स्टॉक्स है पैसा तो उतना नहीं है ना हर एक में एवरेज करने के लिए बड़े लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो फिफ्टीन के ऊपर नहीं जाना है इज वॉट आई हैव एज अ कन्विक्शन सर आपका क्या कहना है इस हाँ, मेरा इसमें थोड़ा सा अलग व्यू है इनसे मैंने इनिशियली कई बार कोशिश करी स्टॉक मार्केट में कुछ करने की पैसा आया भी पैसा गया भी लेकिन मैंने देखा कि मेरे में वो डिसिप्लिन नहीं है कि मैं उस पर स्टिक रह सकूं क्योंकि कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता बिल्कुल, है बिल्कुल। और अपना जो असली काम है करने वाला वहां से ध्यान हट जाता है यानी जो बिजनेस है या ये जो सेशंस है यहां से ध्यान हट जाता है तो मैं स्टॉक मार्केट से पर्सनली पूरी तरह से बाहर हूं मैं क्या करता हूं एक तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं दूसरा आई एम बुलिश ऑन द मिड कैप सेक्टर मिड कैप में क्या होता है कि जब मिड कैप लार्ज कैप बनती है ना तो वहां पे एक्सपेंशन होता यानि है तो है यानी उसकी वैल्यू एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ती तो वहां पे स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है यानी स्टॉक मार्केट में मेरा जो टाइम है और दिमाग है वो ऑलमोस्ट जीरो है और वो जो मिड कैप फंड है वहां पर उन्होंने नियर अबाउट सत्तर स्टॉक्स लिए हुए हैं तो ये फंडा वहां फंड गलत हो जाता है दस पंद्रह वाला वो उससे अलग है क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है वो ज्यादा से ज्यादा लेते हैं hmm. ताकि अगर एक कंपनी डूब भी जाए जो आपका डर था ना इनिशियली कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक कंपनी में आपने लगा दिया एक स्टॉक में लगा दिया है मानो 20 परसेंट या 30 परसेंट और पास्ट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के साथ हुआ है कि उसका रेट था तीन सौ रुपए चार सौ रुपए और वो रह गया दस रुपए का बीस रुपए का तीस रुपए का यह हो सकता है और हुआ है पास्ट में उसमें क्या होता है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है और आपने जरूरत से ज्यादा पैसा एक कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी बंद हो गई तो आप फंस गए लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करेंगे वो पहले आपके पैसे को प्रोटेक्ट करके चलेंगे यानी 50 से 70 स्टॉक्स में वो पैसा लगा देंगे तो अगर एक कंपनी पूरी तरह से डूब भी गई मानो जीरो हो गई बंद ही हो गई कल तब भी आपका कितना पैसा डूबा सिर्फ दो परसेंट सिंपल है ना कैलकुलेशन यार मैच इतनी भी वीक नहीं होती होगी मतलब पचास स्टॉक्स हैं उसमें अगर पैसा लगा दिया है उस म्यूचुअल फंड ने और एक कंपनी बंद भी हो गई है तो कितना परसेंट पैसा टूटा आपका <laughs> तो दो परसेंट पैसा ही तो टूटा आपका अगर वो जीरो भी हो गया तो

और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है मेरी मुझे को 25 परसेंट रिटर्न नहीं चाहिए 30 परसेंट नहीं चाहिए मुझे 12 से 16 परसेंट चाहिए तो मुझे पता है कि इंडेक्स फंड में मैंने आज पैसा लगाया वहाँ पर मरे से मरा 12 परसेंट रिटर्न आ जाएगी अगले 20 साल में और जो मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया है वहाँ पर भी चौदह पंद्रह की रिटर्न आ जाएगी क्योंकि वो मिड कैप सेक्टर है तो ये मेरी ये, वो बिल्कुल सही आप सर खुद के पैसे से, में करते हो न, तो आप बिल्कुल 500 से भी एस भी पी कर सकते हो और वो पांच आपका सत्तर स्टॉक्स में लग सकता है क्योंकि वहां पे आपको मिलता है वन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड आपको पूरा शेयर नहीं मिलता है पांच सौ रुपया में अगर आप सेम स्ट्रेटेजी सेवेंटी स्टॉक्स की अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में लगा रहे हो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो तो आप सोच सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में सत्तर स्टॉक्स आए हैं फिर आप क्या ट्रैक करोगे कैसे ध्यान रखोगे कौन सी कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही है नहीं कर पा रही है तो आपका सर ने बोला ऐसा, आपका मेन बिजनेस से फोकस हटके वो सत्तर कंपनीज का आपको यू नो एनालिसिस करने में ज्यादा टाइम चला जाएगा तो आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है अगर आपको चाहिए कि यार मैं इन्वेस्ट ना करूं मेरे ब्याप पे कोई और करे तो म्यूचुअल फंड इज अ गुड रूट बट जिनको वो चेन है यार मैंने किया था

जैसे हर एक सिंगर बोलता है ना कि आज मेरी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है ठीक <laughs> नहीं है तो इतनी अच्छी है ठीक होती तो पता नहीं क्या होता अच्छा। बारिश हो जाती। <laughs> हाँ। तो आपने वो कॉन्फिडेंस वाला सवाल पूछा था उसी से रिलेटेड गाना गा देती हूँ <clears throat> ये हौसला कैसे झुके ये कैसे झुके मंजिल किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या ये दिल तो क्या हो राह में कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है दे सूरज गए रात को एक दिन ढलना ही है रुत ढल जाएगी हिम्मत रंग